गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? और भाई, मैं उठ गई हूँ। आज उठी हूँ मैं 5:30 बजे। बस मन ही नहीं कर रहा था उठने का। इतनी जल्दी उठने का रीज़न था आलू के पराठे। मम्मी प्लीज़ कल आलू के पराठे देना। तो भाई, आलू तो उबलने में टाइम लगता है, फिर बनने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए उठना पड़ा जल्दी। लो भाई, मेरे आलू उबल भी गए, मत भी दिए मैंने। इन तेने एक बात याद आई, मगर जब हम स्कूल में थे ना, तो कितने ना आलू के परांठे, भाई हम तो सच बताओ हैं, माँ बढ़िया चूल्हे की रोटी दिया करे थी, वो मैं बीच में दर देती नूने की, कदे आम का अचार, और कूदते उड़ लेकर जाया करे थे राज्य होकर। कितने ना हमारी तो चॉइस हुई हुई, और फिर भी पढ़ लिख लिए। हाँ, और आजकल की औलाद, ये तो आपने कल भी दिया था टिफिन में, आज फिर यही दोगे? यो आलू रहे हैं। नहीं, मेरा फ्रेंड तो पास्ता लेके आता है, आप भी पास्ता दो मेरे को। इसी चॉइस चल रहे हैं, चॉइस खा कर कुछ और जाएंगे, लेकर के मोर जाएंगे, और आकर खाओगे कुछ और, वो भी अपना ही टाइम था। आप सबने मिला करा था बढ़िया बढ़िया टिफिन, बताइयो जरूर। आपने तो भाई अभी मिल करा था बढ़िया चूल्हे की रोटी दिया करती थी मम्मी, टिफिन में स्टील का टिफिन अपना बांध गए, वो मैं दो रोटी बीच में बढ़िया नूनी घी जाडे में, और आम का अचार रख देती, कदे कदे नूनी घी रख देती, और पैक करके कट्टा कट ले जाती, सा स्वाद ला गया करता, वो उस तक स्वाद खाना नहीं, और मैं तो नूनी घी आधा आधा करके रोटी ने गोल गोल और आराम तक खाया करूँ थी। हाँ, चीनी का परांठा भी दे दिया करे थी, मेरे को तो मिले थे, मेरी बाणा तो ना मिले वो ना मिले थे। लो भाई, ये हो गया रेडी, बनाते हैं पराठे। भाई मेरा सारा काम हो गया ख़त्म, काव्यांश की पराठे वराठे बन के गए टिफिन में, काव्यांश हो गया है रेडी, और साथ ही साथ अब टाइम हो गया मेरी क्लास लेने का। धोया या नहीं? ये मेरा बेटा हो गया तैयार, जा रहा है स्कूल, बाय। चलिए भाई, मैं भी अपनी क्लास ले लेती हूँ। गया काव्यन स्कूल, बाकी का सारा काम थोड़ा थोड़ा करके अब कर रही हूँ खत्म। अब बनाऊंगी पहले सब्जी, और साथ ही आपको दिखाऊंगी गाजर का हलवा सर्दियों की फेमस मिठाई, सबसे बढ़िया स्वीट डिश जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये भाई मेरे ने नहीं बनाया, ये मेरे लिए आया। हाँ, ये मलिक साहब लेके आए हैं। हाँ जी, ये भेजा है किसी ने हमारे लिए खाने के लिए। बढ़िया है भाई, बहुत स्वाद है, एक नंबर का। अब मन कर रहा है, रात ना के चख लिया था मैंने आते के साथ, मेरे तक क्या रुक क्या जाता, तो खा लिया था 2-3 चम्मच। तो अब गर्म करके दोबारा सोच रही हूँ दूध के साथ पहले इसका ही भोग लगा लूँ, बाद में बाकी का काम देख लूँ। तो क्या सोचते हो, ऐसा कर ले? नहीं भाई, पहले सब्जी बनानी है, क्योंकि मलिक साहब का कोई भरोसा नहीं किस टाइम पे ये कह दे मैं जा रहा हूँ, रोटी डाल दे। तो पहले सब्जी वब्जी बना देते, फिर इसको करेंगे आराम से बैठ के बढ़िया से इंजॉय। अभी तो जल्दी जल्दी में बोलना, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो चलो भाई, पहले सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर। पनीर रखा हुआ था ये रहा, अब बस मटर पनीर की करते हैं तैयारी। जंतो जहन के बाद, मतलब बहुत मेहनत और परेशानियों के साथ फाइनली मैंने सब्जी दी है चढ़ा बनने के लिए। और ये गोदी, ये गोदी, ये गोदी, ये लड़की है मेरे पास, ये स्कूल जा रही है। बाय काव्या, बाय काव्या। ये नहीं जा रही भाई स्कूल, मैं कह रही हूँ काव्या स्कूल जा, पीछा छुड़ा मेरे से और मैं छुड़ाऊँ तेरे से। बाय काव्या, नहीं जाना भाई इसने स्कूल। चलो भाई, इधर इसको संभालते हैं हम। लो भाई, सब्जी उब्जी तो गई मेरी बन, और ये देखो मेरा समझदार बच्चा लगा रहा है झाड़ू। ये मम्मी की इतनी मदद कर देती है ना, कि मैं कहती हूँ इतनी मदद की मुझे जरूरत नहीं है। और आपको दिखाती हूँ एक और बढ़िया चीज, ये देखिए, ये मैंने उगाया था अपने गमले में धनिया। ये धनिया उगाया है भाई,
धनतेरस वाले दिन डाला था इसमें सूखा धनिया, और उससे मेरा बढ़िया सा धनिया आ गया है ये। और आज इसको काट के मैं डालती हूँ अपनी मटर पनीर की सब्जी में। फ्रेश धनिया। चलिए भाई इसको काट लेते हैं, काट के फिर अपनी सब्जी में डालेंगे हम। पनीर की सब्जी मेरी बन के हो गई है तैयार, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक साथ ने खा लिया खाना, और अभी ये कर रहे थे मेरी सब्जी की तारीफ। मैं कह रही हूँ ब्लॉग में फीडबैक दो, तो कह रहे हैं मैं ना दूँ तू अपने आप पे बता दे, अक्सर ने सब्जी अच्छी बनाई थी यार। कोई बात हो है ना भाई, देनी चाहिए ना भाई, मलिक साहब ने फीडबैक देना चाहिए। फिर सब कमेंट्स में पूछते हैं मलिक साहब क्यों नहीं बोलते, है ना। देख लो भाई मलिक साहब ऐसा करते हैं। ये आए पीछे थे गोलू राम। ये कैमरे से शर्माता हुआ आदमी अपना मुंह छुपाता हुआ, मैं ना बोलू मैं ना बोलू। बढ़िया टेस्टी बना हुआ खाना खा गया, मेहनत का, और फिर कहता है मैं नहीं बोलू। ओके हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया सस्पेंस मूवी ब्लर, तो एक नंबर की फिल्म है भाई। हम कंटिन्यू करते हैं इस हंसी मजाक के बाद, नहीं तो फिर ये आदमी चला जाएगा काम धंधे पे। मेरे पति मेहनती आदमी बेचारा पूरे दिन हमारे लिए कष्ट झेलता हुआ। हेलो जी, हो चुकी है शाम। आज पता नहीं जाड़ में भी दर्द हो रहा है, पीछे लग रहा है अक्ल जाड़ आ रही है। तो भाई मेरे को, मैं सोच रही थी कि लो आज ड्रेकिंग से अपने सूट वूट डाल रखे थे वो उठा लाऊं, पर मैं रही नाकाम। क्योंकि जैसे मैं रेडी होके मार्केट के लिए प्रस्थान करने वाली थी, तभी काव्या रानी पधार गई। मम्मा देखो ये आधा टूट गया। आधा क्या, पूरा ही टूटेगा? हाथ हटा दिखा, तूने जबरदस्ती की थी इसके साथ? नहीं, पूरा ही टूट गया, थोड़ा सा रह गया। ये साथ साथ में आ भी रहा है, एक काव्यांश की एक जार टूट गई और साथ साथ में आ भी रही थी। तेरे साथ भी यही समस्या, ये टूट भी गई और साथ साथ में ये आ भी रही थी। वो इतनी सी निकली हुई है, आधा टूट नहीं गया, वो आधा निकल रहा है। हाँ तो भाई हो गया मेरा बाजार जाने का आज फिर प्रोग्राम कैंसिल। वो सूट मेरा जब्त ना हो जाए। पता नहीं कब डाल के आई थी मैं उसको ड्रैकलिन पे, और जा ही नहीं पा रही हूँ उसको ड्रैकलिन पे से उठाने। और ये काव्या रानी क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है ये, बहुत देर हो गई इसको गायब हुए। क्या कर रही है तू, या नीचे बैठ के, ये टेबल के नीचे बैठी है ये घुस के। अरे मेरे आपी को झुला रही है। अच्छा आपी पी को झुला झुला रही है प्रेस की केबल पे, तार पे। अच्छा भैया देख लो, प्रेस वाली जो तार नीचे थोड़ी सी लटकती रहे उस पे अपने बेबी ने बैठा कर झूला झुलाने लग रही है। दिमाग देखो मेरी छोरी का दिमाग, दे बेबी तो दिखा दे सबको अपना। नहीं या या। अच्छा इस पे बेबी को झूला झुला रही है। ठीक हाँ। है भाई झूला ले। ओ बेबी क्या हो गया बेबी को, आई आई हो गई, दुआ चूहे ने कर दी। हाँ। उठा ले फटाफट बेबी को। ओहो ओहो, गोदी ले लो बेबी को, जैसे मम्मा प्यार करती है वैसे कर दो बेबी को प्यार, फिर वो खुश हो जाएगा। ओए ओए ओए, चलो भाई इसको खेलने देते हैं, अपना कुछ और काम धाम देखती हूँ क्या करूँ। लो भाई होगी रेडी हमारी टेस्टी खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी। लो भाई रात का टाइम हो गया, काम हो गया मेरा किचन का सारा कंप्लीट, और काव्या रानी का और उसके पापा का हो गया है झगड़ा, और वो रोती रोती पहुंच गई प्लॉट में। अब देखते हैं किस टाइम तक आती है मैडम प्लॉट में से रो धो के, उसके बाद आपको बताती हूँ उनका पैचअप होगा या लड़ाई रहेगी क्या रहेगा आज उनका। आज यहाँ दर्द है जाड़ में, पता नहीं क्या हो गया, मनते ही साई लगा है, जाड़ आने लग रही है। धीरे धीरे ये साल भी खत्म हो रहा है, ऐसे ही गया, और फिर दोबारा जाएंगे हम गांव में। अच्छा एक चीज देखी आपने, पहला मेरी गल है, जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मामा उम्मा का इनके लेकर जाती थे भाई, काम था कति मामा का मेरे का, तो हम नहीं कहते ये कितली आई, मन भी ना लगता क्या है कैसा गांव है ये है वो है। अरे है ना जैसे जैसे अब दिल्ली तो है ना ज्यादा अच्छी लाइफ गांव की लगन लग गई। लो भाई बच्चे तो थे नहीं, सोचा इसके पापा ने और मैंने, हम करे थे कुछ पुरानी यादें ताजा, यानी कि काव्यांश की बचपन की फोटोज देख रहे थे हम।
आपको भी दिखाती हूँ काव्यांश कैसा दिखता था। असल में उसका बर्थडे आने वाला है तो इसीलिए कुछ ऐसे ही एल्बम वेल्बम खोल ली, आपको भी दिखाती हूँ। देखो देखिए, ये है काव्यांश का थर्ड फोर्थ डे का फोटो है ये, हाँ चौथे दिन का है ये, क्योंकि काव्यांश जब हुआ था होते के साथ उसे नर्सरी में रखा गया था शीशे में, तो ये 7 दिन वहीं पे एडमिट रहा था। तो जब मैं इसको फीड कराने के लिए गई थी तब का फोटो है ये मेरे बेटे का, और उसके बाद ये घर आ गया था। फिर ये महीने का है इसका, और भी दिखा, ये मेरा आ गया फोटो भाई। ये है मेरा जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी मौसी के लड़के के लड़के की शादी, यानी कि मेरे भतीजे की शादी थी तो वो अटेंड करने गई थी मैं। ये मेरी शादी का लहंगा, और देखिए मैं ऐसी दिखती थी, ये जब का फोटो है मेरा। और ये है मेरे रिक्की और मुक्कू, हाँ इसकी बुआ के बच्चे काव्यांश की। ये मेरा काव्यांश, ये जब भी ऐसे नहाता था ना ये अपनी दादी का हाथ चूसने लग जाता था, तो इसकी ये भी बड़ी मेमोरी थी। ये भी देखिए इसकी दादी नहला रही थी इसको। और ये मेरी मक्कू रानी, मेरी मक्कड़, मक्कड़ का भी बर्थडे है। और ये देखिए हमारा रक्षाबंधन मेरी शादी के बाद का, इस टाइम पे हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, काव्यांश था मेरे पेट में का, मैं प्रेग्नेंट थी। और ये इसकी बुआ आई थी हमें राखी बांधने के लिए। और ये देखो इसके पापा को देख के तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसे दिखते थे ये जब हमारी शादी हुई थी। और ये मेरे पापा जी, इनकी ये फेवरेट ड्रेस कोड है, ये आज भी ऐसे ही पहननी पसंद करते हैं। और ये मैंने सेलिब्रेट किया था पापा का बर्थडे, जो दोनों भाई केक में लगे हुए हैं, ये अनिल का हमेशा का ऐसा ही है, मेरे देवर का सारा केक ये लेके बैठता है। ये देखिए सुनील मलिक भी लगे हुए हैं केक में। और इधर पापा ने केक काटा था, जब का फोटो है ये। मैं ऑफिस जब मैं जॉब करती थी तो वहीं से ही मैं पापा के लिए केक लेके आई थी। ये मेरा काव्यांश सो रहा था, उसके बाद मुझे पता चला था, किसी ने मेरे को बोला कि सोते हुए बच्चे की फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, तब से फिर मैंने नहीं खींचे। ये मम्मी और मैं, और ये हैं भाई द ग्रेट सुनील मलिक, हाँ छोटे से, ये देख लो भाई ये इनका फोटो है, ये जो प्राणी लेटा हुआ है मेरे साथ फोटो देख के, देख लो भाई इतना बड़ा हो गया है। और ये फोटो भेजी थी जब रिश्ता भेजा था हमारा। रिश्ते के लिए फोटो क्लिक कराई गई थी बहुत महंगे स्टूडियो से, सुंदर सी बहू लाने के लिए। और ये मेरी माते, और ये देखिए मेरा फोटो है, और ये मेरे साथ छोटी सी प्राची, ये मेरी छोटी सी प्राची है नन्नू सी। और ये मैं हूँ, और ये हम गए थे कहाँ पे, मंसूरी, हाँ मंसूरी गए थे, जब का फोटो है ये। मैं कैसी दिखती थी ना, ओए होए देखियो, ये इसकी दादी लगवा रही है उसको टिक्का, इसके भाई को। और ये है मेरी रिया, मेरे गोल मटोल बच्चा, ये मेरी रिया रानी है छोटी सी। अब तो इसके बहुत बड़े बड़े फोटो हैं, छोटा तो मेरे पास एक आधा यही फोटो है बस। ये मेरी माते और मैं, ये हम रक्षाबंधन पे गए हुए थे। ये मेरा भाई, ये मेरे भाई और भाभी दोनों। तो इस तरह से कुछ पुरानी यादें ताज़ा की गई, ये काव्य की फर्स्ट जन्माष्टमी की फ़ोटो है। तो भाई इसके साथ ख़त्म होती हैं कुछ ये पुरानी यादें, भाई ये थी मेरी छोटी छोटी सी कुछ यादें, जो मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं फ़ोन में जो फ़ोटो क्लिक करती हूँ वो मैं ज़रूर निकलवा लेती हूँ, एल्बम्स बना रखी हैं, 3 एल्बम बनी हुई हैं अभी तक। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि फ़ोन में से तो वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता या फ़ोन ख़राब हो जाता है। और जब हम इन यादों को ऐसे एल्बम में देखते हैं ना, फ़ोटो वगैरह देखते हैं इनके, तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर महसूस होता है कि हाँ हम कितने चेंज हो गए हैं, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, बहुत कुछ जुड़ा होता है। और आपने देखा हर फोटो के साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई थी कि ये कब की थी, ये कहाँ की थी, हम कहाँ गए थे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।